टाइम कितना है इनका? कक्सेना वर्सेस बाबडा हिसार नेशनल स्टाइल कबड्डी 35 kg बहुत ही अच्छा मैच शुरू होने जा रहा है, क्या होता है। और एक अनुरोध मेरा सभी खिलाड़ियों से भी, बेटा ये नेशनल कबड्डी है, इसमें कांट ब्रेक होता है तो रेड राउंड दिया जाता है, सभी खिलाड़ी ध्यान रखें इस चीज का। कबड्डी कबड्डी कंटिन्यू, कांट को जारी रखें, अन्यथा आपके खिलाफ पॉइंट किया जाएगा, आपको आउट दे दिया जाएगा। सभी खिलाड़ी ध्यान दें इस बात पर। मैं देख रहा हूं बहुत सी टीमों के खिलाड़ी कबड्डी बोलते ही नहीं। अकादमी गुम्मड़ और भगत सिंह स्टेडियम बापोली, दोनों टीमों का एक मिनट का समय ग्राउंड नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। आगे टीम तैयार रहेगी परदाना वर्सेस सरफली अकेडमी, परदाना वर्सेस सरफली अकेडमी ये भी तैयार रहेगी। इसे लगता है कि ये बच्चे, इन्होंने अभी अभी कबड्डी खेलना स्टार्ट किया है, कबड्डी स्किल के बारे में ज्यादा कुछ अभी इन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, लो ग्राउंड में उतरता है उसी को पता चलता है कि ग्राउंड में उतरने का प्रेशर क्या होता है और हार से भी कुछ सीखने को मिलता है। श्री मार अकेडमी कबड्डी गुम्मड़ भगत सिंह स्टेडियम बापोली, शंकर जी और शुभम जी, थ्री पॉइंट और ये रेड राउंड दूसरा लोना लग चुका है भाई। तेज से मेरा इस प्रदर्शन को देखते हुए हमें लाइव चल रहा है, कभी आप ये समझ रहे हो ये जो प्रोग्राम जो समारोह हो, और हाफ टाइम इस मैच का बॉक्स साहब एक मिनट दूंगा। मैं नफी सिंह जी से अनुरोध करूंगा, सर आप मंच पर आइए और फिर से एक शानदार टैकल आबड़ा टीम के द्वारा। अरे बतेरे जा रहे इनके खिलाफ, तो पॉइंट इन्हें बिठा दे, बस इतना ही कर दे, कुर्सी दे दो इसको,
कुर्सी दे दो। ये ग्राउंड नंबर 2 पे कौन सी टीम है भाई? बापोली है या गुम्बड़ है? गुम्बड़। आप खड़े हो गुम्बड़ वाले? वेरी गुड। और बापोली वाली टीम से भी अनुरोध, बापोली ग्राउंड नंबर 2 पर रिपोर्ट करें। शुभम जी, शंकर जी, वेरी गुड। सतोरा पहुंच जाए भाई उधर ग्राउंड नंबर 2 पर। गुम्बड़ गांव के बारे में मैं आपकी जानकारी में बता दूं, गुम्बड़ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गन्नौर के पास ये गुम्बड़ गांव है, और जहां के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविंदर उर्फ गिंडा और हमारे बहुत ही अच्छे साथी एनएस कोच श्री कुलदीप सिंह जी, जो आजकल अपोलो इंटरनेशनल स्कूल असंज में कार्यरत हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कोच श्री श्रीपाल जी से के साथ मिलकर के ये सुपर टैकल हुआ और खाता भी खुला गर्द सीना का। बहुत अच्छी रीच, शानदार राइट कॉर्नर पर एक अंक अर्जित किया पावड़ा के रेडर ने अपनी टीम के लिए। और गढ़सीना गांव के लिए नए खिलाड़ी जो अभी कबड्डी खेलना सीख रहे हैं, दूसरी तरफ एक संतोलित टीम पावड़ा जिला हिसार, वे जो शुभम जी, शंकर जी, सपोर्टर, लाइनमैन, हाँ जी, ग्राउंड नंबर 2 पे मैच स्टार्ट कराए। शुभम जी, अच्छी तैयारी करके आई है पावड़ा हिसार की टीम, और मैं समझता हूँ कि पावड़ा हिसार मेरी नजर में अभी तक जितनी टीमें खेली हैं उनमें सबसे अच्छी संतुलित टीम, बधाई की पात्र है पावड़ा टीम। लास्ट 1 मिनट इस ग्राउंड नंबर 1 पर इस टीम के तुरंत बाद गढ़सीना गौशाला वर्सेज नांदनौर। 1 मिनट में दोनों टीमों रिपीट करें, गढ़सीना गौशाला वर्सेज नांदनौर। अरे मार लो एक तो मार लो भाई यार। ग्राउंड नंबर 2